हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम आ गए हैं वैष्णो देवी और अब अंदर जा रहे हैं और अब रूम लेंगे यहाँ से जाके। ऊपर है वैष्णो देवी का द्वार, तो अंदर रूम लेके फिर कल होगी चढ़ाई। सामने है अर्धकुमारी, उसके उस साइड जाना है अपन को। अभी जलपान कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं जय माता दी की द्वार में। ले ली है अपन ने और अब अंदर जा रहे हैं रूम पर। ब्रश ले आए, अपने होटल है। चलो, अपन ने नहा लिया है और हम आपको होटल के ऊपर का व्यू दिखाते हैं। उस सामने देख रहा है बादल और वहीं माँ वैष्णो देवी भी अच्छा है। ऊपर चलो गाइस, तैयार होके हम निकल रहे हैं यहाँ से माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। और अभी 5 बज रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, जा रहे हैं गेट नंबर 2 से ऊपर की तरफ और आएंगे ऑटो करेंगे, वहाँ जाना है सामने। हम लोग सभी निकल रहे हैं यहाँ से ऊपर के लिए। ये है काउंटर नंबर 2 यात्रा पर्ची के लिए, तो यहाँ पे लाइन पे लगना पड़ेगा। कार्ड मिल चुका है तो इसको लेके चलना है ऊपर। तो अब चलते हैं ऊपर के लिए। हम लोग ऑटो से जा रहे हैं, पैदल निकलते हैं ऊपर के लिए डायरेक्ट। और सभी लोग आगे कर चुके हैं, वो जा रहे हैं। चलो चलते हैं। सामने द्वारे पर आ चुके हैं और यहाँ से प्रवेश होता है। ये बढ़िया जय माता दी लिखा है दुआ से। फ्रिस्किंग पॉइंट पर, तो यहाँ पे चेकिंग हो चुकी है और अब अंदर जा रहे हैं। अंदर चलते हैं, चेकिंग खत्म, सभी लोग आ गए हैं। रात में सत्यम है, जय माता दी। से खच्चर ले सकते हैं और आगे किधर घोड़े नहीं चाहिए। और अपन तो पैदल ही जाएंगे ऊपर, बेजुआ जीवों के ऊपर बैठ के जाने का क्या फायदा यात्रा करने का। चलते हैं, पीछे आ रहे हैं सभी लोग। यहाँ पे पाल की पिटू टिकट मिलती है, बुकिंग काउंटर है और ये खच्चर हैं आगे के लिए। देखो कि 4 लोग ले जाते एक आदमी को। यह बाणगंगा जो अभी सूखी है क्योंकि अभी बारिश नहीं हुई ना ज़्यादा, इस कारण अभी पानी नहीं आया इस गंगा में। तो हम लोग नहाएंगे अब नल के पानी से। तो हम लोग रेडी हो गए हैं नहा के और अब चलते हैं चाय पीने के लिए। नहा लिया है सभी लोगों ने, पीछे खड़े हैं श्रद्धा अनुसत्यम। यहाँ पर बैग जमा कर दिया है और एक बैग ले लिया। नाश्ता पानी हो जाए, कुछ चाय पीते हैं और यहाँ पे अब चाय पियेंगे सभी लोग, नाश्ता भी करेंगे। पट्टी बन चुकी है और अब चलें ऊपर। दौड़ चिंटू, हाँ हाँ चल लिया।
ये प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका में आ चुके हैं और अब अंदर जाएंगे। ये जीना है, पहाड़ी देखो यार कितने ऊपर है अभी। हम आ गए हैं अर्धकुमारी और ऊपर अर्धकुमारी आए हैं, कितने बच गए। और चलो अब ऊपर चलते हैं यार, दर्शन करेंगे यहाँ पर, यहाँ अर्धकुमारी दर्शन के लिए माता जी के। यहाँ पर टोकन कटेगा जो कार्ड के द्वारा कटना है, तो अभी कटवा रहे हैं यहाँ पे टोकन। थोड़ी टाइम करेंगे दर्शन और अभी हम निकल रहे हैं ऊपर माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। सारे बंदे केक ही बना देंगे। और हमन को टोकन मिल गया है शाम का, वहाँ से ऊपर से आएंगे जब आरती में शामिल होंगे। चलो नज़ारा देखो भाई, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से, अमेजिंग। हालत खराब हो गई है, जीना चढ़ते हैं 367 जीना चढ़ दिए। अब जीने से मत जाना भाई, रास्ते से आओ सीधे। अब थोड़ा आराम कर लें यहाँ पे, दिखाते हैं आपको कितने ऊपर आ गए हमें सामने नीचे सामने कौन लेटा है। गाइस बादल शुरू हो गए हैं और नीचे का कुछ भी नहीं दिख रहा है, अब बादलों में आ गए हम लोग। यहाँ पे खच्चर घोड़े बने हुए हैं, देखो नीचे का दिख ही नहीं रहा है, पूरा वाइट 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 वाइट। तो भाई खच्चर जा रहे हैं और अभी हम लोग आ चुके हैं 8.5 किलोमीटर ऊपर, जहाँ पे बादल के अंदर आ चुके हैं। ये बादल दिख रहे हैं सफेद सफेद और ये खच्चर आ रहे हैं यहाँ पे घोड़ा। सत्यम पैदल आए हैं 8.5 किलोमीटर सत्यम, देखो बादल देखो दिख नहीं रहे सामने से। ये है हॉस्पिटल सागर सूरी हॉस्पिटल, यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं जिसको भी बीमारी हो कुछ, या कोई बीमार हो जाता है। और यहाँ पे काम चल रहा है, नीचे का तो कुछ अभी दिख ही नहीं रहा है, नीचे सफेद सफेद, यहाँ थोड़ा उजेला सा हो गया है ऊपर। और अभी तो 4 किलोमीटर और ऊपर चलना है, 3 बचे हैं, 875 चढ़ा है हम लोग। चलो चलते जा रहे हैं, अब तो यहाँ पे थोड़ा साफ हो गया है, बादल थोड़े छट से गए हैं तो, लेकिन अभी भी नीचे का कुछ नहीं दिख रहा है अपना, देखिएगा। अब और ऊपर जाना है, सामने दिख रहा हो आपको तो माता जी की आरती होगी अभी, मिलेगा प्रसाद जो अभी हम लोग खाएंगे लेंगे। और यहाँ से कुछ
दिखाते हैं आपको, सांप दिख रहा है नीचे, धूप से निकली है, हम लोग आए बहुत ऊपर, शिव प्रसाद में लाइन में लग चुके हैं हलुआ और प्रसाद में हलुआ और चना देखते हैं, प्रसाद ग्रहण करें। स्कूल भी है यहाँ पे, गवर्नमेंट हाई स्कूल नीचे, और अभी तो और चलना है तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, 2.5 किलोमीटर और चलना है फिर भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, वहाँ से आ चुके हैं। सामने हेलीपैड है जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरते हैं, तो अभी तो एक भी है। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और कल से यहाँ से आगे की यात्रा बताई जाएगी।